हेलो दोस्तों, यूके विस्टर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप यूके का विस्टर वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प से। तो इस सीरीज़ में हम पहले भी 3 वीडियोस बना चुके हैं जो कि हैं कैनेडा विस्टर वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विस्टर वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप अपना विस्टर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आपकी कोई जनरल क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ हमें जो है कॉल मत कीजिए, बट यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क अस योर क्वेरीज ऑन अवर व्हाट्सएप, और हम आपको व्हाट्सएप पे उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको अपना वीज़ा हमारी टीम के थ्रू अप्लाई करवाना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यूके विस्टर वीज़ा का जो एप्लीकेशन का लिंक है उसे ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो है गूगल पे लिखना है अप्लाई विस्टर वीज़ा यूके और एंटर करना है। तो जो सबसे पहला लिंक है अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विस्टर वीज़ा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड विस्टर वीज़ा का जो है प्रोसेस देखने जा रहे हैं, तो इस लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का लिंक ओपन हो गया है, तो हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपके सामने जो है एप्लीकेशन की फ़ीस डिस्प्ले हो रही है। हम जो स्टैंडर्ड विस्टर वीज़ा 6 मंथ्स का अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे होंगे, तो इस 6 मंथ्स के वीज़ा में आपके जो है वीज़ा चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो हम यहीं अप्लाई करेंगे। अगर आपने पहले भी यूके का जो है विस्टर वीज़ा हेल्ड किया हुआ है तो आप इससे ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आपसे आपकी लैंग्वेज पूछ रहा है, मैं इंग्लिश में फॉर्म को फिल करूँगा, तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ और स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे कुकीज़ के रिगार्डिंग मैसेज आ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर देते हैं ताकि ये हाइड हो जाए मैसेज। तो दोस्तों, सिलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स। तो आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप डजेंट मैटर कि आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बायोमेट्रिक्स अपने ऑस्ट्रेलिया में देने होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी, बल्कि आपको जहाँ पे बायोमेट्रिक्स देने हैं उसकी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ और इंडिया में ही अपने बायोमेट्रिक्स दूँगा, तो मैं यहाँ से इंडिया फिल कर दूँगा और इंडिया को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो इसमें ये आपको बता रहे हैं कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीड करने से पहले अपना जो नियरेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है उसको लोकेट कर लेना है। तो इंडिया में जो है बहुत सारे इसके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं, तो हम आपको शो कर देते हैं। इंडिया के ऊपर जाके इंडिया के लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारे जो है VFS सेंटर्स यहाँ पे आ जाएंगे जो हम अटेंड कर सकते हैं फॉर बायोमेट्रिक्स। तो दोस्तों, इनकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि इसके काफ़ी सारे सेंटर्स हैं साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जलंधर में जो है अपने बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं। तो अब हमने जो है अपनी VFS लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माय बायोमेट्रिक्स, तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना जो है ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो मैंने एक रैंडम जो है ईमेल वो जनरेट कर ली है, क्योंकि ये एक डमी एप्लीकेशन मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे जो है एक पासवर्ड फिल कर देता हूँ विच आई हैव टू रिमेंबर, और सेम पासवर्ड सेकंड बॉक्स में भी फिल कर दीजिए। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है ईमेल शो हो गया है, मेक श्योर चेक कर लीजिए ईमेल ठीक है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है हु डज दिस ईमेल बिलोंग टू, ये ईमेल किसका है, तो आपका है, तो सिलेक्ट यू और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी अदर ईमेल एड्रेस, अगर आपका कोई और ईमेल एड्रेस है आप येस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पर नो करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ईमेल ओपन था,
यहाँ पे हमें जो है साइन इन डिटेल्स भी आ गई हैं ईमेल में। अगर हम कभी अपनी एप्लीकेशन को बीच में छोड़ देते हैं या उसको सेव करना चाहते हैं तो इस लिंक से हम उसे दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द एप्लीकेशन। अब ये हमसे पूछ रहा है आपका टेलीफोन नंबर, तो +91 जो कि इंडिया का कंट्री कोड है वो एंटर करके मैं एक रैंडम इसमें मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। तो ये पूछ रहे हैं कि आप ये नंबर जो है कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंडिया का नंबर है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा फॉर यूज़ वाइल्स्ट आउट ऑफ द यूके। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है तो मैं मोबाइल पे क्लिक कर दे रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर्स? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप इसको नो कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप ज़्यादा नंबर इसमें डालेंगे या ईमेल डालेंगे उतना ही जो है केस ऑफिसर के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो मेक श्योर कि एक ही डिटेल आप इसमें रखें। आर यू एबल टू बी कॉन्टेक्टेड बाई टेलीफोन? तो इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको टेलीफोन या SMS के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको येस कर दीजिए ऑफ कोर्स कि आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाई टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, और सेव कर दीजिए इसको। तो आगे आपका जो है नाम पूछ रहा है, तो आप इस पे अपना जो है नाम डाल सकते हैं। तो ऊपर वाले बॉक्स में आपको अपना जो गिवन नेम डालना है और नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना लास्ट नेम डालना है। अगर आपके पासपोर्ट पे आपका सारा नाम जो है वो गिवन नेम में दिया हुआ है तो आपको उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ नहीं करनी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है आई डू नॉट हैव अ करंट पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई डू नॉट हैव बोथ अ गिवन नेम एंड फैमिली नेम, और आप यहाँ से डिलीट करके अपना सारा का सारा नाम यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि आपका सिंगल नेम है आपके पासपोर्ट के ऊपर। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इन एडिशन टू द नेम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड आर यू नाउ और हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम? कि जो आपने अपना नाम दिया है क्या इसके अलावा आपने कभी कोई और नाम यूज़ किया है? सो दिस ऑप्शन विल बी सूटेबल फॉर सम ऑफ पीपल हु गेट देयर नेम चेंज आफ्टर मैरिज, या जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कुछ अलग नाम है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे अलग नाम है, तो आप एप्लीकेशन के साथ अपना जो है नेम चेंज सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, या जो है आपके एक से ज़्यादा नाम है उसका एफिडेविट बनवा के लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो एप्लीकेंट का एक ही नेम है और उनका कभी दूसरा नाम नहीं रहा तो हम इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सो व्हाट इज़ योर सेक्स एज शोन इन योर पासपोर्ट? तो हम इस पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना रिलेशनशिप स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड हैं तो मैरिड, और सो ऑन। सो हम यहाँ पे सिंगल कर रहे हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से आपका जो है पासवर्ड सॉरी एड्रेस पासपोर्ट पे जो आपके एड्रेस है वो पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम जो है एक एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंट्री ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो एड्रेस है आपके मेलिंग एड्रेस यानी कि पोस्टल एड्रेस से सेम है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो करके आप कोई भी यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस? आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं? तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी है। हमारा जो एप्लीकेंट है वो शुरू से यहीं पे रह रहा है और मान लीजिए उसकी एज 30 ईयर्स है, तो हम यहाँ पे 30 डाल देते हैं। अब आपसे ओनरशिप स्टेटस पूछ रहा है, तो अगर तो आपका जो है रेजिडेंस आप उसके ओनर हैं, मकान मालिक हैं, आप आई ओन इट पे क्लिक कर दीजिए। अगर रेंट पे रह रहे हैं तो आई रेंट इट, या अदर की ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, मतलब वो वहाँ पे ना तो ओनर हैं ना ही वो कोई वहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज माय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय माय पेरेंट्स, माय फादर या माय फादर सॉरी माय मदर। तो आप
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई पासपोर्ट नंबर अपना डाल सकते हैं, तो मेक श्योर कि सारी डिटेल्स एज़ पर योर पासपोर्ट होनी चाहिए। इशूइंग अथॉरिटी, आपकी कंट्री का नेम आ जाएगा इंडिया। तो इशू डेट में मैं रैंडम डेट डाल रहा हूँ। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है 10 साल होती है, तो आप अपने पासपोर्ट से देख के एंटर कर सकते हैं। डू यू हैव एनी वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो ये इंडिया के लिए हमारा आधार कार्ड होता है, पाकिस्तान में शायद नादरा कार्ड होता है, और ऐसे ही हर एक कंट्री के अंदर अपना उनका जो है नेशनल आईडी होती है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, और आपको दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे अपना जो है आधार कार्ड का नंबर ऐड कर सकते हैं, इशूइंग अथॉरिटी में आप इंडिया डाल सकते हैं, इशू डेट अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर दिया हुआ है आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको नो कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, इस पे आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं या जहाँ का आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं वो लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ, आप जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं, करंटली आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है लेकिन बाई बर्थ आपके पास इंडियन सिटीजनशिप थी, तो आप कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया डाल सकते हैं और कंट्री ऑफ नेशनैलिटी में ऑस्ट्रेलिया डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ में आप एज़ पर योर पासपोर्ट अपनी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डू यू होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, क्या आपने जो है अपनी जो कंट्री जिसकी सिटीजनशिप पिछले फॉर्म में डिक्लेयर की है उसके अलावा आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप या नेशनैलिटी है, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, तो आप यस करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड हैं एम्प्लॉयड पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे, अगर आप स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं या काम नहीं कर रहे अनएम्प्लॉयड हैं, उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एम्प्लॉयर नेम पे हम कुछ रैंडम एड्रेस और रैंडम एम्प्लॉयर का नेम डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ। और कंपनी का जो है एड्रेस यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपको देना है, क्योंकि एम्बेसी का जो वीज़ा ऑफिसर है आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर सकता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की वेरिफिकेशन कर सकता है। तो मैं यहाँ पे रैंडम जो है नंबर दे रहा हूँ। डेट यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस एम्प्लॉयर, आपने इस एम्प्लॉयर के साथ काम करना कब से शुरू किया, आप यहाँ पे जब भी आपने काम शुरू किया तब की डेट्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2010 डाल रहा हूँ। योर जॉब टाइटल, यहाँ पे आप अपना जॉब टाइटल, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसका टाइटल डाल सकते हैं। आप पर मंथ कितना अर्न करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 50,000 सैलरी है मंथली, तो आप INR में 50,000 डिक्लेयर कर सकते हैं, या उसको ब्रिटिश पाउंड के अंदर भी आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं INR में एंटर कर रहा हूँ। डिस्क्राइब योर जॉब, यहाँ पे आपको अपनी जॉब ड्यूटीज़ ब्रीफली मेंशन कर देनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स, इसमें अगर आपको किसी और सोर्स से इनकम आती है उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, तो आप उसकी जो है डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। या अगर आपके पास कोई सेविंग्स हैं, जैसे कि बैंक सेविंग्स, जो कि मस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीज़ा, अगर आप स्पॉन्सर्ड नहीं हैं तो आपको अपनी सेविंग्स तो शो करनी ही पड़ेंगी, तो आप सेविंग्स पे क्लिक कर दीजिए।
और पाउंड्स में आपको अपनी जो है सेविंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लाख इंडियन रुपीस जो है अपने बैंक अकाउंट में शो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5,000 मेंशन कर दूंगा। तो अकॉर्डिंगली अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो है इंडियन रुपीस में जितनी भी अमाउंट है उसको आप गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 लाख INR टू GBP, तो जो आज का रेट है उसके हिसाब से जितनी भी अमाउंट आती है उसको आप एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड, तो आप UK विजिट पे कितने पैसे स्पेंड करने जा रहे हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही सही फिगर लिखना है, अपने ट्रिप के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि UK के लिए किस तरह की सेविंग, कितने फंड्स और कैसी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो इस टॉपिक पे हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको मैं ऊपर पिन कर दूंगा, आप उसको जाके डिटेल से देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे आप अपना जो है वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडम कुछ अमाउंट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1,50,000 रुपया स्पेंड करने जा रहा हूँ तो 1,500 पाउंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप पर मंथ कितने पैसे स्पेंड करते हैं। तो मान लीजिए मेरी 50,000 सैलरी है, उसमें से मैं 35,000 सेव कर रहा हूँ और जो है 15,000 मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 15,000 लिख दूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। विल एनी वन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। तो जैसे कि फॉर्म के स्टार्ट में ऑप्शन थी जहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा था, वहाँ पे स्टूडेंट की एक ऑप्शन थी, तो ये उसके लिए है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स जो है येस करके मेंशन कर सकते हैं। तो हम इसको नो कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। योर प्लान्ड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आप जो है आपकी प्लानिंग जो है UK विजिट करने की कब से कब की है उसकी आपको डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे हम एक हफ्ते का जो है विजिट डाल देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी आइटनरी के हिसाब से अपनी डेट्स जो है एंटर कर सकते हैं। तो अगर एम्बेसी को आपको कांटेक्ट करना है तो आपसे वो किस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आपने किसी और लैंग्वेज की जो है ऑप्शन देनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी या पंजाबी, लेकिन हम इसको इंग्लिश पे ही रहने देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। तो आपका UK विजिट करने का मेन रीज़न क्या है? टूरिज्म, बिजनेस, शॉर्ट टर्म स्टडी या जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम टूरिज्म स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, तो हम टूरिज्म पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को विजिट करने हैं उसके लिए भी आपको यही स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। तो अभी उसके अंदर जो सब स्ट्रीम्स हैं, टूरिज्म, विजिटिंग फैमिली, विजिटिंग फ्रेंड्स, तो हम टूरिस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये हमसे पूछ रहा है कि गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई वॉन्ट टू विजिट द UK फॉर टूरिज्म पर्पस एंड टू तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या कोई इंडिविजुअल है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ये आपके किड्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपके कोई बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र से कम है उनको आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, या आपके कोई एजेड पेरेंट्स हैं या कोई और रिलेटिव्स हैं जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। लेकिन हमारे केस में हम इसको नो कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, आपके मदर और फादर का जो है गिवन नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ,
और कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। हम यहाँ पे जो है रैंडम डिटेल्स दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने पेरेंट्स की जो है डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप अकेला इसमें ईयर भी एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, हैव दे एवर हैड द सेम नेशनैलिटी, इसको येस कर देते हैं कि उनकी जो नेशनैलिटी हमेशा से एक ही कंट्री की रही है। नेक्स्ट, सिमिलरली हम मदर की भी डिटेल्स एंटर कर देते हैं। डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स यूके में रह रहे हैं? तो इसमें जो है आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपकी कोई इमीडिएट फैमिली यानी कि आपके स्पाउस यानी कि आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन और बहुत सारे यहाँ पे जो है रिलेटिव्स बताए हुए हैं, उनमें से अगर कोई आपके यूके में रह रहे हैं, इसमें डिस्टेंट रिलेटिव्स नहीं आते जैसे कि कज़न्स, तो आपको येस करना है। अगर आपका कोई यूके में नहीं है इनमें से तो आपको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके इन अ ग्रुप, क्या आप ग्रुप के अंदर यूके ट्रैवल कर रहे हैं? तो आपको येस करना है, नहीं तो हम इसको नो कर रहे हैं। क्या आप यूके में किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो आपका पार्टनर नहीं है या आपका डिपेंडेंट नहीं है? फॉर एग्जांपल, आप अपने स्पाउस के साथ या अपने बच्चों के अलावा किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा यस करके, लेकिन हम इसको नो कर रहे हैं क्योंकि हमारा एप्लीकेंट है जो अकेला अपनी ही फाइल लगा रहा है, किसी और के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा। डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके? तो यहाँ पे आप यस करके जो भी आपने होटल बुकिंग करवा रखी है उसकी जो है आप डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक होटल की जो है डिटेल्स फिल कर दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ द होटल, स्ट्रीट नेम, सिटी नेम, लंदन, पोस्ट कोड, और यहाँ पे आपको फिर से जो आपकी ट्रैवल डेट्स हैं वो एंटर कर देनी है। अगर आप मोर देन वन अकोमोडेशन या होटल में स्टे करने वाले हैं तो आप इस पे जो है फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और दूसरे होटल की आप दोबारा से फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है एप्लीकेंट वो फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप एक ही होटल में रहने वाला है, तो मैंने सारी ही फिल कर दी हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। सो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप मोर देन वन एकोमोडेशन में रहने वाले हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे उसकी जो है डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। सो विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन द यूके, हम इसको नो कर देते हैं। अगर आपके केस में आपके पास एक और लोकेशन है ऐड करने के लिए, आप यस करके उसको ऐड कर सकते हैं। क्या आप पिछले 10 सालों में यूके में गए हैं? तो यस कर दीजिए, लेकिन हमारा एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो हम नो कर देंगे। तो दोस्तों, अब ट्रैवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया की जो कंट्रीज़ हैं, शेंगेन के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा क्योंकि इनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री की काफ़ी वेटेज होती है यूके के अंदर। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, स्विट्ज़रलैंड या यूरोप की किसी कंट्री में पहले विज़िट किया है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी विज़िट नहीं किया तो ज़ीरो पे क्लिक कर दीजिए, अगर एक बार विज़िट किया है तो वंस पे क्लिक कर दीजिए, 2 to 5 times या 6 or more times। अगर आप 2 to 5 times भी जा चुके हैं तो ये आपसे लास्ट 2 visit की ही जो है डिटेल्स मांगेगा, आपसे डेट्स मांगेगा फॉर्म कि आपने किस से किस डेट में जो है विज़िट किया था इन कंट्रीज़ को। तो हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 0 पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा अगर जो कंट्रीज़ पहले मेंशन थी उसके अलावा अगर आपने किसी और कंट्री में विज़िट किया है, कोई भी एशियन कंट्री हो या कोई भी मिडल ईस्टर्न कंट्री हो, किसी भी कंट्री में आपने पिछले 10 साल में विज़िट किया है तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। हम इसको भी नो कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा, क्या आपका यूके या किसी भी और कंट्री का
वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपकी एंट्री डिनाई हुई है बॉर्डर पे, आपने कोई रेफ्यूजी वीज़ा या असाइलम का केस डाला है, या आपको कभी डिपोर्ट किया गया है, या किसी कंट्री से आप बैन हुए हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आपकी कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ल है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मेक श्योर थोड़ा केयरफुल रहें इसमें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपस में वीज़ा रिफ्यूज़ल की हिस्ट्री शेयर करती हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ मिस डेक्लेरेशन कर देते हैं तो आपके ऊपर जो है 10 साल का बैन भी लग सकता है। तो हम इसको नो करके आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर एंटर्ड द यूके इलीगली? क्या आपने कभी इलीगली यूके में एंट्री की है? आप वहाँ पे अपनी वीज़ा की वैलिडिटी से ज़्यादा स्टे किया है आपने? कभी कोई वीज़ा कंडीशन ब्रीच की है? तो हमारे एप्लीकेंट की कोई भी ऐसी जो है नेगेटिव हिस्ट्री नहीं रही, तो हम इसको नो कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब जो है क्रिमिनलिटी और सिक्योरिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, दैट नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है सेम वॉर क्राइम्स, तो इसको नो करके जो है आगे बढ़ जाएं। टेररिज्म, सिक्योरिटी चेक के क्वेश्चंस हैं, इन सबको नो करके आगे बढ़ जाएं। मेंबरशिप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इसको भी नो करके टिक करके आगे निकल जाएं। तो अब ये डिफेंस की जॉब्स जो होती हैं, मिलिट्री में आपने कभी या इंटेलिजेंस में काम किया है, या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, या जुडिशरी में आपने कभी जो है जॉब की है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको नो कर रहे हैं, आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ द जॉब्स लिस्टेड अबव, और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई इसके अलावा इन्फॉर्मेशन देनी है केस ऑफिसर को, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको ब्लैंक छोड़ के ही आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट पेज आ गया है आपकी एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपकी जो है एप्लीकेशन का सारा ओवरव्यू आपके सामने है। मेक श्योर एक एक डिटेल्स को दोबारा से चेक कर लें। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी सेक्शन में जाके चेंज पे क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। अगर सब ठीक है तो आपको लास्ट में कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जनरेट हो गई है। सबसे पहले वो आपसे पासपोर्ट मांग रहे हैं, और इसके अलावा जो एविडेंस ऑफ फंड्स, कि आप जो अपना है ट्रिप उसको कैसे फंड करेंगे, तो एविडेंस ऑफ फंड्स भी आपको प्रोवाइड करने हैं। सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें मांगे गए हैं, लेकिन बहुत सारे सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको अपनी एप्लीकेशन में अटैच करने पड़ते हैं। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि कैसे कहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब एक वार्निंग मैसेज हमारे सामने है कि अगर आप कुछ भी मिस डेक्लेरेशन करते हैं एप्लीकेशन में, तो आपको डिटेन किया जा सकता है, या बहुत सारे जो हैं आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं कि हमने ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो ध्यान से रीड कर ली हैं, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने डिक्लेरेशन आ गई है। अगर आप एप्लीकेंट हैं जिसकी उम्र 18 से ऊपर है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर, और एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं, इसको अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हमसे जो है वीज़ा की लेंथ पूछ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर आपने पहले भी यूके में ट्रैवल किया है, उस हिसाब से आप वीज़ा की ड्यूरेशन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। हम 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स पे जो है क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने जो है वीज़ा की फ़ीस आ गई है, जो है 10,660 इंडियन रुपीस। तो हम इसको क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सर्विस पे हम क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। आगे जो है हमारे सामने वर्ल्ड पे का जो है बटन आ जाएगा, जहाँ पे जाके हम अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने देखिए पेमेंट का जो है
लिंक आ गया, हम गूगल पे से भी जो है पे कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स की ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं इसको वीज़ा पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अपना जो है अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड और सीवीवी कोड जो कार्ड के बैक पे होता है नॉर्मली, वो सारी डिटेल्स एंटर करके आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपके कार्ड का जो है ओटीपी जो आपके मोबाइल पे आएगा उसको एंटर करके आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। तो दोस्तों हमने अपनी जो है पेमेंट कंप्लीट कर ली है। अब हमारे सामने जो है नेक्स्ट स्टेप ओपन हो गया है। सबसे पहले जो चेकलिस्ट हमें वीएफएस लेके जानी होती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट के दिन, उसको हम यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं, वो नीचे डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको जो है प्रिंट करवा के जो है ले जा सकते हैं। वो कुछ ऐसी चेकलिस्ट होती है और इस चेकलिस्ट पे आपको जो है अपना लास्ट पेज के ऊपर डेट, एप्लीकेंट का नाम और एप्लीकेंट के सिग्नेचर करने होते हैं। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा आपको जो है वीएफएस में अपनी जो है बायोमेट्रिक्स की बुकिंग भी करवानी होती है, तो उसके लिए आपको प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स के लिंक पे क्लिक करना है। तो ये कंटिन्यू का बटन आ गया, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जब आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वीएफएस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वहाँ पे जो है अपना बायोमेट्रिक का जो है स्लॉट पिक कर सकते हैं। आपको वीएफएस को कोई भी फीस जो है पे नहीं करनी होती, आपने ऑलरेडी जो एम्बेसी को फ़ी पे की है उसके अंदर ही आपकी जो है बायोमेट्रिक्स की फ़ीस भी इंक्लूडेड होती है। अगर आप कोई प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो आप वीएफएस से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रायोरिटी के अंदर अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसके अलग से पैसे आप वीएफएस को डायरेक्टली पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो है आफ्टर प्रोसेसिंग पासपोर्ट की जो कोरियर की चार्जेस हैं वो वीएफएस आपसे चार्ज करेगी, तो वो सारी जो फ़ी है आप वीएफएस को पे कर सकते हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट पिक हो जाती है उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अपॉइंटमेंट पिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज जो है ओपन हो जाएगा वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वीएफएस पे भी लेके जा सकते हैं। जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे आपके जो है डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे और जो है फाइल के साथ उनको अटैच कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी वीएफएस को एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उनसे डॉक्यूमेंट स्कैन करवाएंगे तो आपसे वो चार्जेस भी लेते हैं। तो इसके लिए आप सेल्फ अपलोड की जो है सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ अपलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सारी कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। यहाँ पे देखिए अकोमोडेशन, इस पे आप अपनी होटल बुकिंग्स जो हैं अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है तो आप स्पॉन्सरशिप लेटर यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एविडेंस, इसके अंदर आप अपने जो है बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स और अपने जो है ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स लगा सकते हैं। आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं या कोई भी और फाइनेंशियल एविडेंस है वो आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, इसके अंदर आप अपने जो हैं जॉब के प्रूफ्स लगा सकते हैं, जॉब NOC, पे स्लिप्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर एविडेंस के अंदर आप उनके जो है प्रूफ लगा सकते हैं। और अगर कोई भी जो आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल कवर लेटर है, तो वो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है लगा सकते हैं जो आप अपनी फाइल के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो इसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाते हैं तो आप आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म कंडीशंस पे क्लिक करके सेव एंड अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले तक, यानी कि 24 आवर्स पहले तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेल्फ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ अपलोड नहीं करना चाहते तो आप VFS में भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो करंट इसका वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम चल रहा है वो अराउंड 20 वर्किंग डेज चल रहा है, यानी कि 3-4 हफ्ते में जो है इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।
और काफ़ी हेल्प करेगी आपका अपना वीज़ा खुद अप्लाई करने में। अगर आपकी कोई भी जनरल क्वेरीज हैं तो आप हमें प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास कॉल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर एक का जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा हम आपका जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए और आप अपना वीज़ा हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफिस आवर्स भी आप अपनी प्रोफाइल जो है हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वर्किंग डे में हम आपको जो है कॉल बैक कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।